गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज सुबह के 7 बज गए हैं, बजने वाले ही थे, 1-2 मिनट बाकी होगा। और अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर मंदिर पूना में जो है, पर उससे पहले करेंगे नाश्ता। और सभी लोग अभी तैयार हो गए हैं, पर मेरा वो बाबू सो रहा है उधर, ईशा सो रही है। सुबह 5 बजे ही नहा ली थी तो मैंने उसे सुला दिया, और मैं अब चाय पी के आऊंगी साई टी स्टॉल से। ये है हनुमान जी का मंदिर शिरडी में ही, साई बाबा के मंदिर के पास। जय श्री राम। जय चाय खत्म हो गई। हाँ, थर्मस में से दो आएगी चाय। चाय खत्म हो गई है और अब पियेंगे हम कॉफी। अब हमने चाय पी ली है टी स्टॉल से, साई टी स्टॉल से। और इनको लग गई है आज बड़ी चेंज, क्योंकि इन्होंने बहुत चेंज चिल्ला रही थी मेरे को। मेरे पैर पे ना साई बाबा के मंदिर में अंदर बहुत तेज चोट लग गई, पर मैं फिर भी ये कह रही थी चलो साई बाबा मेरा कोई पाप होगा। जो आपने लाठी मार दी बहुत तेज लगी पैर पे, और ये कह रहे मैं सुबह इन पे चिल्ला रही थी तो इसलिए लगी है। अब जा रहे हैं कुछ नाश्ता करने, और फिर हम टेम्पो ट्रैवलर में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे भीमा शंकर। तो यहाँ से हम अपना सुबह का नाश्ता करते हैं, वड़ा पाव, पोहा, और क्या ऑप्शन है इनके पास? यही है, दो ऑप्शन है, वड़ा पाव है, पोहा है, साबूदाना के बड़े भी हैं जो अभी भैया बनाएंगे। तो यहाँ से हम सुबह का नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे टेम्पो ट्रैवलर में भोले बाबा के दर्शन करने। मिर्च बहुत डालते हैं वड़ा पाव में, है ना, सुबह प्रॉब्लम हो जाती है इसको। भैया ने साबूदाने के बड़े भी बना लिए, मैं खा रही हूँ पोहा, उसके बाद ये भी खाऊंगी जरूर। फोन में बिजी है उधर, देख देखो भैया को साबूदाने का वो। अब हम पूना पहुंच गए हैं, पर अभी मंदिर नहीं आया है और गाड़ी में बस बैठे हुए हैं। अभी 5 किलोमीटर रह गया भीमा शंकर और बाकी सारे सो गए हैं, और मेरे को तो उल्टी चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि पहाड़ के ऊपर ना गाड़ी यूं 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 होती है बाबू। तो इसको पता नहीं क्या हो गया, इसे छेड़ने लगी है। एक छोटा बाबू सोया हुआ है, उसे जगा दिया है इसने। 5 किलोमीटर दूर रह गया आंटी, 5 किलोमीटर दूर है अभी भी। 5 किलोमीटर में कितने, 5 मिनट? मम्मी कैसे सो रही है, मम्मी ने पूरी सही नींद ली पीछे वैसे। अब हम पहुंच गए हैं भीमा शंकर। चलो, तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है भीमा शंकर। क्या हुआ? ठीक है, तो ये बाइक से जा रहे हैं भीमा शंकर में दर्शन के लिए। इन्हें दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है और हम जाएंगे यहाँ से पैदल। वो लोग तो बाइक से निकल गए, हम जा रहे हैं पैदल। और ये कैसे कह रहे हैं आधे घंटे में आ जाएंगे भाई हम, बताओ। देवू ने मेरे ऊपर टट्टी कर दी और मैं ऐसे जा रहा हूँ टट्टी का पजामा। देवू ने नहीं, राघव ने पॉटी कर दी। अच्छा ही है वो, एक तरीके का डाइपर भी। ये डाइपर लोकल कंपनी के आ रहे हैं, कोको लोकल नहीं ब्रांड लोकल, इसलिए। तो यहाँ से चालू हो गई है हमारी यात्रा भीमा शंकर की। जय हो भोले बाबा, चलो चलो आगे चलो। सिर्फ भी दिला देंगे हम, आगे चलते रहो। तो यहाँ से कितनी है ना हरियाली, सही है। पहाड़ों पे ना थोड़ा ठंडा ही मौसम हो जाता है, पर जहाँ पर पेड़ नहीं है वहाँ धूप सी है।
यहाँ से कितना 1 किलोमीटर दूर है। देखो अभी सीढ़ियाँ बता रहे हैं लोग, चढ़ाई है थोड़ी, इसलिए वो दोनों बाइक पे बैठ के गई हैं। हाँ अभी तो चढ़ाई में हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे की साइड, और यहीं से चढ़ने के लिए आना होगा, है ना भाई? अच्छा तो ज्यादा तो है नहीं भाभी, फिर तो सही है। ये 350 पैड़ी का भी रास्ता अलग होगा, है ना? 350 पैड़ी है। हाँ 350 पैड़ी है, तो ये चढ़ाई वाला रास्ता है जहाँ से बाइक जाती है, बाइक आती है। तो अभी तो हमें सीधा उतरना है, तो उतरने में तो दर्शन आसान हो जाते हैं। अभी कौन सा चढ़ाई करनी है, अब देखो, अभी तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या जीना चढ़ना पड़ता है कि चढ़ाई है। कहीं वो मेरे पीछे ही ना, पंखी की वीडियो बना रही थी मैं, डर गई कहीं मेरे पीछे ही ना आ जाए। क्या चप्पलों का क्या किया आपने? चप्पल का देसी जुगाड़ किया, उसे चुन्नू की पहन के आ गई थी, तो मैंने आगे कर दिया, आगे जा रहे हैं लोग। तो अभी वो अच्छा है आंटी जी, जो चढ़ाई नीचे को है चलते वक्त तो आसानी से हो जाएगा। कोई कह रहा 100 सीढ़ी है, 100 सीढ़ी है, कोई नहीं चढ़ देंगे जब आए तो जाएंगे। और क्या, और भाई राघव जी, राघव जी भी जा रहे हैं तो राघव जी सबसे बढ़िया निकले। पहले बार में इन्होंने 3 ज्योतिर्लिंग एक साथ कर लिए, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमा शंकर। मैं दिखा रही थी, वो आगे आगे बढ़ गया। कितना सुंदर है, यहाँ से चढ़ाई नीचे को जा रही है। चलो ना, तुम आगे आ रही हूँ मैं, ये मेरे को आवाज लगाते रहते हैं सारी चाची चाची, और मैं हूँ फोन में बिजी। चाची किसकी सुन रही है, आओ जल्दी आंटी जी। तो यहाँ दुकानें बनी हुई होगी छोटी छोटी नगरी में। चलो 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 चलो, यह मंदिर दिख गया हमें, हमें तो ज्यादा चढ़ाई दिख नहीं थी। चलो आगे तो उल्टी साइड जा रहे हैं, इधर को जाना हमें। आओ भाभी, आंटी जी भाभी पैड़ी, यही वाली सीढ़ियां होंगी, है ना? इन्हीं सीढ़ियों पे अब नीचे तो चलो पकड़ पकड़ के आसानी से चढ़ जाएंगे। पकड़ के चलूंगी मैं तो, मेरे पैर में वैसे चोट लगी थी सुबह साईं बाबा ने नहीं, मेरे कोई कर्म थे जो निकल गए मंदिर में अंदर। जय भोले साईं। तो ये दुकानें बनी हुई है सारी, जैसे हर किसी भी धाम पे चले जाते वहाँ के बाजार होते हैं, ये है यहाँ के बाजार। बोले बाबा जय हो भोलेनाथ, जय श्री शंभू। ये लड़की परेशान हो रही है, चाची पहले बता मुझे क्यों बुला रही है, तो ये बता बता। भाई फोन का छीन लियो, तुम तो जल्दी आ गए, हम सोच रहे इतनी पैड़ी है। तो ये मंदिर आ गए हैं हम भोले बाबा के अंदर, पर फोटो खींचने नहीं देंगे, आप करेंगे फोटो अंदर, अलाउड नहीं है अभी। ये है भोले बाबा की पालकी, जैसे थोड़ा सा साइड हो जाए बच्चे प्लीज, मंदिर में भीड़ भी हो रही है। बस हाँ हाँ बस, ये राघव हमारे उधर है सामने। हेलो दोस्तों, ये फोटो खींचना सख्त मना है, फिर भी कह रहे हैं फोटो फोटो। दर्शन कर लिए हमने भोले बाबा के, और यहाँ छूने देते हैं भोले बाबा को, तो सही लगता है, ऐसा लगता है भगवान के चरण स्पर्श कर लिए। और अब हम जा रहे हैं वापस, किसी ढाबे पे जाएंगे या घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। तो दर्शन हो गए हमारे अच्छे और जल्दी हो गए, हम सोचे थे बहुत सारी पैड़ी चढ़नी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा पैड़ी नहीं चढ़नी पड़ी, और हो गए ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में हो गए। हमने तो दर्शन कर लिए, और ये लॉकेट वॉकेट ले रहे हैं। और मेरे बाबू बहुत क्यूट लग रहे हो, देखा सा लगा के, नौजी बहरी है। अब हमने पूरी पैड़ी भी चढ़ ली है,
मम्मी सब ने। चाची पीछे देख कितने सारे मंकी है। अच्छा वो मंकी से बचा के, हाँ वो मैंने देख लिया था, फोटो भी खींचती है ना इससे साइड में। हाँ खींच गए, वो देख कितने सारे मंकी है। बस मुझे डर लगता है मेरा फोन ना उठा ले, एकदम से देख रहा था एक। ओए रुक जाओ, कितने सारे मंकी देख। अरे बाप रे, अब हम जा रहे हैं एक और देवी माता के मंदिर जो पास में ही पड़ता है। कमजा माता, जय माता दी, जय देवी माता। अब हम जा रहे हैं घर वापस। घर तो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताओ बताओ। सीढ़ी, हाँ सही कहा मम्मी ने, सीढ़ी जाएंगे हम होटल में, उससे पहले कुछ खिलाना है इन सबको वरना बेहोश हो जाएंगे, सुबह से कुछ खाएंगे। तो अब हम साथ में ही कहाँ रुके, पास की जगह से कुछ मिला नहीं, यहाँ वड़ा पाव मिला है बस, तो वड़ा पाव ही खा रहे हैं। क्यों आंटी कैसा लगा वड़ा पाव? बना के भी नहीं दिया, बंद में सीधा पाव रख दिया, बंद और वड़ा अलग रख दिया। वड़ा पाव खा रहे हैं, लो खा लो गाइस, खा लो गाइस वड़ा पाव। प्याज के पकौड़े प्याज के पकौड़े तो मम्मी के लिए मंगाए हैं। गला बहुत खराब हो चुका है मेरा ना, और मेरे पैर में भी सुबह चोट लग गई, इसलिए चला नहीं जा रहा। नहीं मैं नहीं खा रही प्याज के पकौड़े, पेट खराब हो जाता है। इतना देखो ना तो मन करने लगता है खा लो खा लो खा लो, एक खा लूंगी मैं पर लेके। हाँ आधा दिखाना कैसा बनाया, आधा एक उठा ही लिया, कोई बात नहीं पेट खराब होगा जब भी देखेंगे हम, जब ले लिया तो खा लेते हैं। और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। अब हम बैठ गए हैं बस में और जा रहे हैं शिरडी वापस, थोड़े थोड़े स्नैक्स खाएंगे। और ये मेरा बाबू, इसे पोटी आ गई थी फिर इसकी धुलवानी पड़ी हमें रास्ते में, तो और नया टाइप का लगा दिया हमने इसे। ओ, तो